हाय साथियों, नमस्कार। आज के स्टूडियो में हम आपको 30x40 फीट में बना हुआ घर का जो है वॉक थ्रू दिखाना चाहते हैं। इस तरह से अभी फ़िलहाल ये आफ्टर प्लास्टरिंग वर्क इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्क आता है सीलिंग का आता है, ग्रेनाइट वर्क इस तरह से आ जाता है। सो बने रहिए वीडियो को पूरा अंत तक। एंड अगर आप नए चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आपको कोई खर्चा नहीं आता है। चलिए हम इस घर का जो है वॉक थ्रू दिखा देंगे। लेट्स सी, काफ़ी ब्यूटीफुल। ऑल क्रेडिट गोज़ टू द हाउस ओनर, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट ऑफ दिस हाउस। इस तरह से आपको ग्राउंड फ्लोर में वेस्ट फेस है, ग्राउंड फ्लोर में 1 BHK पोर्शन कार पार्किंग दिया गया। ये जो काफ़ी हाइट लिया गया अच्छी तरीके से। ये चौकट आया 7 फीट हाइट, हॉल 1 BHK, सीलिंग पैटर्न रेंट पोर्शन है ये वाला, एंड ग्रेनाइट वर्क किया गया पूरा फुल। सीलिंग पूजा रूम, इनबिल्ट पूजा रूम और सिंक आया है यहाँ पे। यहाँ पे स्टोर के लिए जगह दी गई है। और फिर यहाँ से आप एंटर करते हैं, ये वाला बाथरूम टाइल्स डिसेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। शेल्स, ये था 1 BHK पोर्शन। अब यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। बट एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आजकल इस तरह के घर बांधना है आपको डबल मंजिल, तो लगभग आराम से आपको 30 सिंगल फ्लोर के लिए 25 लाख, डबल बांधना है तो 40 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रूर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और ये वाला एल साइज में लिंटल, किचन प्लेटफॉर्म। इसका हाइट का एक ज़रूर ध्यान रख लीजिए, लगभग घर जो है ना 3 इंच तक उठता है, तो उस समय आप लोगों को जो हाइट का एक ध्यान रखना पड़ता है। और टाइल्स देखिए ये वाला, आप चाहे तो नॉर्मल प्लेन टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल वाइट। ज़्यादा कलर भड़क वाला यूज़ मत कर लीजिएगा अपने घर में। और उसका लेवलिंग सही नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए अपने घर में। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।